नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे कर्पूर के बारे में, जिसे लैटिन में सिनेमम कैम्फोरा भी कहते हैं। इसका प्रमुख कर्ण हृदय होता है, जिसका मतलब है कार्डिक टोनिक या जो आपके हृदय के लिए हितकर्मी। कैम्फर नेम फ्रेंच वर्ड कैम्फेर से डिराइव किया गया है, जिसे संस्कृत में कर्पूरम, लैटिन में कैम्फोरा और रोमन में कफूर कहते हैं। इसकी फैमिली लोरेसी होती है, इसका लैटिन नेम सिनेमम कैम्फोरा होता है। इसके पर्याय कर्पूर, घनसार, चंद्र, हिमावृ होते हैं। ये शरीर के जो रोग होते हैं उन्हें नष्ट करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है, इसलिए इसका नाम कर्पूर है। इसका सार भाग ठोस होने के कारण इसे घनसार कहते हैं, और इस चंद्रमा एवं बर्फ के समान श्वेत और ठंडा होता है, इसलिए इसे चंद्र व हिमावृ कहते हैं। उत्पत्ति स्थान के भेद से कर्पूर तीन प्रकार का होता है। पहला सिनेमम कैम्फोरा, जिसे चीनी कपूर कहते हैं। दूसरा ड्राई बेलेन ऑफ सेरोमेटिका, यानी भीम सनी कपूर। तीसरा ओसिमम क्रिमेंशेरियम, यानी भारतीय कपूर। सबसे पहले सिनेमम कैम्फोरा की बात की जाए तो इसका स्वरूप होता है, ये वृक्ष होता है। ये 100 फीट तक ऊंचा होता है, 6 to 8 फीट इसकी परिधि होती है। सदा हरित होता है। इसकी जो त्वचा होती है वो ऊपर से खुरदरी होती है और भीतर से चिकनी होती है। इसके पत्र एकांत में लगते हैं, जो कि 2 से 4 इंच तक लंबे होते हैं। पिता हरित वर्ण के होते हैं, चर्मवत यानी लचीले होते हैं और सुगंधित होते हैं। ये दिखने में एकदम तेज पत्र के समान दिखते हैं। इसके पुष्प पिताप श्वेत होते हैं, छोटे छोटे मंजरियों में लगते हैं। इसके फल गहरे हरे होते हैं, जो कि मटर के समान गोल होते हैं और गुच्छों में लगते हैं। अक्टूबर में ये पक जाते हैं और पकने के बाद काले पड़ जाते हैं। इसके बीज छोटे होते हैं और उनमें से कपूर की गंध आती है। इसके बाद हम बात करेंगे ड्राई बेलन ऑफ सेरोमेटिका की, जिसे भीम सैनी, बैरस या बोर्नियो कैम्फर भी कहते हैं। ये जो जीनस है, इसकी 7 स्पीशीज 10 मलेशिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती है। इसके ट्रीज एक फिनोमिना शो करते हैं, जिसे क्राउन शाइनेस कहते हैं। मतलब जब ये ग्रो कर जाते हैं तो जो ट्रीज का क्राउन पोर्शन है वो एक दूसरे को टच नहीं करता और चैनल लाइक अपीयरेंस बनती है। ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी है। इसकी फैमिली डिप्टेरोकॉपसी है और इसकी स्पीशी एरोमेटिका है, जिसका लैटिन में मतलब होता है स्पाइस लाइक। पहले के टाइम में इस स्पीशीज ने अरब ट्रेडर्स को अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया था, जिसके कारण इसका जो प्राइस था वो गोल्ड से भी ज़्यादा था। इसको अरब ट्रेडर्स अपने परफ्यूम्स और इंसेंसेस में यूज़ किया करते थे। ये ट्री एक येलोइश स्टिकी सब्सटेंस एक्सक्रीट करता है, जो कि उसकी कैविटीज जो स्टेम्स और ब्रांचेस के बीच में होती हैं उसमें फिल हो जाता है, और उसे हम बाद में एक्सट्रैक्ट करके कर्पूर के रूप में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ओसिमम क्रिमेंशेरियम, जिसे हम भारतीय कपूर भी कहते हैं, उसमें भी कपूर की गंध आती है। ये प्लांट नेटिवली कीनिया का है, बट इंडिया में देहरादून, महाराष्ट्र, मैसूर, जम्मू आदि कई जगहों पे मिलता है। ये एक शुप होता है, जो कि तुलसी के समान होता है, इसलिए इसे कपूरी तुलसी भी कहते हैं, और इसकी फैमिली भी तुलसी की ही तरह लेबिएटी होती है। इन सब के अलावा ब्रूमिया स्पीशी के भी कई पौधे होते हैं, जिनमें कपूर गंदी औषधियाँ मिलती हैं, जिसे नागी कपूर कहते हैं। निर्माण भेद से कपूर 2 प्रकार का होता है, पक्कू अपक्कू कपूर। पक्कू कपूर जो होता है वो पाक विधि द्वारा बनता है। मतलब इस विधि में हम ट्रीज की जो स्टेम्स और ब्रांचेज हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उन्हें पानी में बॉयल कर डिस्टिलेशन प्रोसेस से कैम्फर एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये कपूर जल में तैरता रहता है, जबकि अपक्कू कपूर नेचुरली ट्रीज से मिलता है, और ये भारी होने के कारण पानी में डूब जाता है। यूनानी वेदों ने कपूर के 3 प्रकार बताए हैं। रिहाही, जिसे भीम सैनी कपूर भी कहते हैं, ये रक्ताप श्वेत होता है, नेचुरल होता है। केसरी, जो कि श्वेत उज्ज्वल स्तर युक्त होता है, इसे फार्मोसा कैम्फर भी कहते हैं। काफुर मोती, जो कि मृतिका वन का होता है, इसे ब्लूमिया कैम्फर भी कहते हैं। इसके रस पंचक की बात की जाए तो इसका रस तिक्त यानी कड़वा, कटु यानी तीखा और मधुर यानी मीठा होता है। इसका गुण लघु और तीक्ष्ण होता है, यानी हल्का और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसका वीर्य शीत होता है, मतलब इसकी तासीर ठंडी होती है। इसका विपाक कटु होता है, जो कि इसका मतलब है डाइजेस्ट होने के बाद ये कटु रस उत्पन्न करता है। ये त्रिदोष शामक है, क्योंकि ये रस, इसका जो रस है वो तिक्त और मधुर है, वह शीत इसका वीर्य है। अगर इसे हम एक्सटर्नली यूज़ करें तो स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कोट प्रशमन, रक्तोत्प्लेश, वेदना स्थापन और चक्षुषी है। इंजेस्ट करने पर यह मुख की जो दुर्गंध होती है उसको दूर करता है, मुख को साफ करता है, रुचिवर्धक है, और खाने को अच्छे से पकाता है, पचाता है और लाभदायक है, इसलिए दीपन में पाचन का भी कार्य करता है। इसके अलावा ये हृदय के लिए काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि ये हृदय तेजक, हृदय संरक्षक, रक्तवाहिनी संकोचक, रक्त भार वर्धक है। इसके अलावा ये कफ को निकालता है, गले को सुरक्षित रखता है, और ये कफ निसारक, कास हर, श्वास हर व कंठे है। इसके अलावा ये स्वेद जनन, दाह प्रशमन, ज्वरग्न, लेखन का कार्य भी करता है।
ये अनेक तेलों में मिलाकर आमवाद यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, संधि शूल यानी जॉइंट पेन, कास, पार्श्व शूल, न्यूमोनिया में, इन सब में इनकी मसाज की जाती है। कई स्किन डिसीजेज में इसका चूर्ण बना के औषधियों के साथ दिया जाता है। नाड़ी शूल में इसे पेपरमिंट के साथ यूज़ करते हैं। ये कई ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में यूज़ किया जाता है। इसे दंत मंजन में मिलाया जाता है। जुखाम में इसका नस्से दिया जाता है। अगर किसी को खाने की इच्छा ना हो, डायरिया हो, खाना ना पच रहा हो आदि कोई भी व्याधि हो, उसमें प्रशस्त औषध है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में कैम्फर का काफ़ी यूज़ होता है। ये इंसेक्ट्स को दूर करता है, इसीलिए इसे हम अपने कबर्ड्स और अलमीरा में रख सकते हैं। ये एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है। इजिप्शियन लोग इसे इम्बाल्विन प्रोसेस के टाइम यूज़ किया करते थे ममी बनाने के लिए। अरब में ऐसे परफ्यूम्स बनाते हैं, ऐसा कहते हैं कि कैम्फर को यूज़ करने से O2 कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ती है, इसलिए जब भी ट्रैवलर्स किसी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो इसे अपने साथ लेके जाते हैं। इसका प्रयोज्यांग निर्यास होता है। इसकी मात्रा 125 to 375 mg होती है। इसकी विशिष्ट योग कर्पूर रस, कर्पूरा सव, अर्क कपूर, अमृत बिंदु व अमृत धारा है। इसके प्रयोग विधि की बात करें तो इसे चीनी या दूध में मिलाकर दिया जाता है। अगर कपूर को अधिक मात्रा में लिया जाता है तो इससे उदर शूल मतलब पेट में दर्द, हल्लास, सर्दी यानी उल्टियाँ, पक्षाघात मतलब पैरालाइज, संन्यास, अंत में मृत्यु भी हो सकती है। कपूर ज़्यादा दिनों तक यूज़ करने पर तंद्रा यानी थकान, दुर्बलता, रक्त अल्पता यानी अनीमिया जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। अगर किसी को टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसे वमन, आमाशय प्रक्षालन तथा विरेचन के द्वारा संशोधन करना चाहिए। उसके बाद उष्ण व उत्तेजक द्रव्य जैसे कुपिलू, कस्तूरी, अंबर आदि का प्रयोग करना चाहिए। आजकल कपूर में मिलावट की जाती है, उससे जानने के लिए कुछ तरीके हैं। जैसे आर्टिफिशियल कपूर जो होता है वो टर्पेंटाइन ऑयल से बनता है और उसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि नेचुरल कपूर की जो स्मेल होती है काफ़ी सौम्य होती है। मेजोरिटी टाइम आर्टिफिशियल कपूर गोल और चकोर टिक्कियों में मिलता है, जबकि प्राकृतिक कपूर मोटे बारीक टुकड़ों में मिलता है। आर्टिफिशियल कपूर अक्सर जलने के बाद निशान छोड़ जाता है, जबकि नेचुरल कपूर बिना निशान जले छोड़े आसानी से जल जाता है, इस वजह से कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। थैंक यू। प्रेजेंटेड बाय महक अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर महेश लदीज एंड डॉक्टर नरेश भार्गव, डिपार्टमेंट ऑफ द विगम, MSN इंस्टीट्यूट ऑफ IMF, खानपुर, कलाम, मोहाना, सोनीपत।